देख रहे हैं द एंगल, मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, मराठा आरक्षण, जीएसटी सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। राजस्थान कांग्रेस में फिर उठे बगावत के सुर, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कमेटी के वादे पूरे नहीं करने पर जताई नाराजगी। राजस्थान में प्यास से बच्चे की मौत पर सियासत शुरू, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गहलोत सरकार और सोनिया गांधी पर साधा निशाना। बढ़ते तेल और महंगाई को लेकर राजस्थान कांग्रेस 11 जून को करेगी प्रदर्शन, सचिन पायलट के बयान पर कहा ये मेरा क्षेत्राधिकार का मामला नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम से मराठा आरक्षण, जीएसटी समेत कई संवेदनशील मुद्दों पर वार्ता की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि भले ही राजनीतिक रूप से साथ नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। मैं कोई नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था, इसलिए यदि मैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करता हूँ तो इसमें गलत क्या है। पंजाब में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी में चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रमुख चेहरा रहेंगे। प्रदेश इकाई में कैप्टन की कार्यप्रणाली को लेकर हाल ही में हुई उठापटक और पार्टी हाईकमान द्वारा विवाद सुलझाने की कोशिश के नतीजे के रूप में ये बात प्रमुख रूप से उभर कर सामने आई है। कांग्रेस 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव कैप्टन के नेतृत्व में ही लड़ेगी और टिकट बांटने में भी कैप्टन की अहम भूमिका होगी। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से विरोध के सुर उठने लगे हैं। पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद बनी कांग्रेस की 3 सदस्य सुलह कमेटी की अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उनसे किए वादे पूरे नहीं करने पर नाराजगी जताई है। सचिन पायलट ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में खुलकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 10 महीने हो गए हैं और उनसे किए वादे पूरे नहीं किए गए हैं। पायलट ने कहा, मुझे समझाया गया था कि सुलह कमेटी त्वरित गति से एक्शन लेगी, लेकिन आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे मुद्दे अब भी अनसुलझे ही हैं। सचिन पायलट के ताजा बयान से एक बार फिर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत गर्मा गई है। राजस्थान में पानी की कमी से 5 साल की बच्ची की मौत के बाद सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने इस मामले में प्रदेश सरकार को चौतरफा घेरा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट कर कहा कि पीने का पानी नहीं मिलने के कारण एक बच्ची की मृत्यु हो जाना बेहद शर्मनाक घटना है, इसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि अब कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुप क्यों है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सियासी भाषणों पर भूख, प्यास और मौत भारी है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस आधुनिक युग में जब विज्ञान चांद तक की यात्रा सुगमता से कर रहा है, ऐसे में जालोर के रानीवाड़ा में पानी की कमी से तड़पती मासूम की प्यास से मौत होने की घटना हृदय विदारक व दुर्भाग्यपूर्ण है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर निलंबन मामले में भाजपा ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर के निलंबन का विरोध करते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा ने जोरदार नारेबाजी की। पूनिया के नेतृत्व में भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र को एक ज्ञापन सौंपा। सतीश पूनिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश के इतिहास में इस तरह का ये पहला वाक्य है और इसमें लोकतंत्र की हत्या हुई है, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते भावों को देखते हुए AICC के निर्देश पर कांग्रेस 11 जून को प्रदेश के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करेगी। डोटासरा ने अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब देश विदेशों में मोदी की बदनामी होने लगी और विदेशी मीडिया में मोदी की पोल खुलने लगी और मोदी की लोकप्रियता कम हुई, तो मजबूर होकर फ्री वैक्सीन का ऐलान किया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बयान पर डोटासरा ने कहा कि ये मेरा क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है, आलाकमान ही इस बारे में निर्णय लेगा। राजस्थान में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए 9 जून को 30 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज मिलेगी। वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा मिलने वाली इस खेप से 18 से 44 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि केंद्र ने 1 मई को 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों की वैक्सीनेशन का भार राज्य सरकारों को उठाने को कहा था। वैक्सीनेशन के लिए प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ से भी ज्यादा राशि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक वैक्सीन निर्माता कंपनियों को जारी की है। उन्होंने बताया कि इन कंपनियों से जारी 30 लाख 57 हजार वैक्सीन 9 जून को प्राप्त हो जाएंगी।
प्राप्त वैक्सीन के अनुसार वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा एवं 21 जून के बाद केंद्र द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित किया जाएगा। गुलाब कौशल्या चैरिटेबल ट्रस्ट जयपुर ने जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री के किट वितरित किए। 500 राशन सामग्री किट वितरण अभियान के तहत तीसरे चरण में 50 परिवारों को राशन सामग्री किट दिया गया। ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी नरेश मेहता ने बताया कि जयपुर के गोपालपुरा पुलिया कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कांग्रेस मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा थी। इस मौके पर रोटरी क्लब जयपुर नॉर्थ के सोमेंद्र शर्मा, जैन सोशल ग्रुप मेट्रो के संस्थापक अध्यक्ष विनोद जैन, कोटखावड़ा सहित कई समाज सेवी उपस्थित थे। इस मौके पर अर्चना शर्मा ने कहा कि गुलाब कौशल्या चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से समाज सेवी नरेश मेहता लगातार जनसेवा कार्यों में लगे रहते हैं, जो कि बहुत प्रशंसनीय कार्य है। महाप्रज्ञ सेवा प्रकल्प के तहत गुलाब कौशल्या चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो निरंतर राशन वितरण कर रही है। कार्यक्रम के तहत तीसरा आयोजन है जब हजारों किट इन्होंने बांटा और इसमें जरूरतमंद लोगों को एक बहुत अच्छा किट दिया जा रहा है, जिसमें कि 15 दिन का राशन होता है कम से कम, और अगर उनको उपलब्धता की जरूरत होती है तो दोबारा उनको उपलब्ध करवाया जाता है। तो मैं समझती हूँ एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जरूरतमंद लोगों को राशन पहुँचा करके गुलाब कौशल्या चैरिटेबल ट्रस्ट इस कोविड काल में एक मानवता के प्रति जो सेवा करी है सराहनीय और अतुलनीय, और हमेशा इनका यह प्रयास रहा है कि जब भी कोई आपदा आए या जरूरतमंद लोगों को कभी भी आवश्यकता हो तो ये उसके बाद सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। आज ये महाप्रज्ञ सेवा प्रकल्प के अंतर्गत गुलाब कौशल्या मेरे माता पिता की स्मृति में 500 किट का हमने राशन वितरण का कार्यक्रम शुरू किया था 3 तारीख को। इसका शुभारंभ माननीय जयपुर सांसद रामचरण जी गोरा के द्वारा हुआ, कल भी हमने यहाँ ऑफिस से वितरण किया था। आज की हमारी मुख्य अतिथि अर्चना जी शर्मा, मीडिया चेयरपर्सन कांग्रेस, आज की मुख्य अतिथि है। इनके सानिध्य में यहाँ आज ये कार्यक्रम तीसरा होगा। अगला कार्यक्रम हम जगतपुरा में करेंगे 1-2 रोज बाद ही। कल 14 मार्च है, इसके नेक्स्ट डे वहाँ ये कार्यक्रम करेंगे जगतपुरा में। इसके बाद 100 किट का वितरण हमारे शास्त्री नगर कॉलेज में किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय प्रताप सिंह जी खाचरियावास होंगे। राजधानी जयपुर में बाबा जय गुरुदेव की 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बाबा जय गुरुदेव संगत राजस्थान के मीडिया प्रभारी मुकुट बिहारी ने बताया कि इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण राजस्थान और जयपुर जिले की संगत ने अपने घरों में ही भंडारा पर्व मनाया। इस अवसर पर जयपुर में रजनी विहार आश्रम 200 फीट बाईपास पर गुरु जी की पूजा वंदना कर लोगों को भोजन बनाकर वितरित किया गया। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की 9वीं पुण्यतिथि भंडारा पूरे देश अथवा विदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बाबा जय गुरुदेव संगत राजस्थान द्वारा पूरे जिलों में लगभग 1 लाख से अधिक ऐसा है जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित किया गया। और इस अवसर पर जयपुर में भी इस कड़ी में जयपुर में भी बाबा जय गुरुदेव रजनी विहार आश्रम अजमेर रोड 200 फीट बाईपास पर 10,000 लोग ऐसा है जरूरतमंद लोगों को भी भोजन वितरित किया गया। और इस अवसर पर सभी लोगों ने अपने घर अपने अपने घरों में नाम ध्वनि करके बाबा जय नाम ध्वनि जय गुरुदेव नाम की नाम ध्वनि करके और पूरे देश के और अपने परिवारों के लिए आगे आने वाले खराब समय के लिए रक्षा के लिए प्रार्थना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से प्रार्थना की। जय गुरुदेव। मुकुट बिहारी वर्मा, मीडिया प्रभारी, बाबा जय गुरुदेव संगत राजस्थान। जयपुर के रेनवाल में राजकीय महाविद्यालय में वैक्सीन कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कैंप प्रभारी चंद्रदीप शर्मा एवं वैक्सीन प्रभारी हरफूल सिंह मेहता ने बताया कि कैंप में 142 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है। इस मौके पर श्यामलाल सांभरिया, मनीष सुंडा, राहुल दायमा, सुनील कुमावत सहित टीम का योगदान रहा। जयपुर ग्रामीण की पुलिस ने रेनवाल में अवैध शराब की अलग अलग ब्रांड की 100 बोतलें बरामद की है। थाना प्रभारी कैलाश मीणा के नेतृत्व में टीम ने ये कार्रवाई की। थाना प्रभारी कैलाश मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर रेनवाल के करड़ रोड पर अवैध शराब बेचते बाबूलाल वर्मा को 100 अलग अलग ब्रांड की शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के जालौर जिले के रायथल गाँव में अर्जुन सिंह राजपुरोहित लोगों को योग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे कोरोना काल में मजबूत इम्यूनिटी के लिए आमजन से रोजाना योग करने की अपील कर रहे हैं। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने में भी अर्जुन सिंह राजपुरोहित की पहल के लिए लोग जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। इस मिशन को आमजन ने सराहनीय कदम बताया। अर्जुन सिंह राजपुरोहित योग गुरु बाबा रामदेव के योग के प्रति बहुत लगाव रखते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।